हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्सटी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू फ्रॉम ब्रिज इंजीनियरिंग फर्स्ट एम सी क्यू है ए लॉन्ग स्पैन ब्रिज इज दैट विच हैज ए स्पैन मोर देन इसका आंसर हो जाएगा वन ट्वेंटी मीटर सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लेंथ ऑफ स्पैन पे ब्रिजेस कितने टाइप के हैं कलवर्ट है जिसका लेंथ सिक्स मीटर से कम होगी जिसकी स्पैन की लेंथ सिक्स मीटर से कम होगी माइनर ब्रिजेस जिसकी सिक्स मीटर से थर्टी मीटर के बीच में होगी मेजर ब्रिजेस होंगे जिसकी थर्टी मीटर से वन ट्वेंटी मीटर होगी और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस होंगी जिनकी वन ट्वेंटी मीटर से ज्यादा होगी स्पैन लेंथ सो इसका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट एमसी क्यों है अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे गाइडलाइंस द मेजर ब्रिज हैविंग ए स्पैन ऑफ मोर देन डैश ऑफ द टोटल वाटर वे यह भी हमने डिस्कस किया है इसका आंसर हो जाएगा एटीन मीटर सो अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज मेजर ब्रिज वो होंगे जिनका टोटल वाटरवे की लेंथ 18 मीटर से ज़्यादा होगी या फिर क्लियर वाटर वे की लेंथ 12 मीटर से या उससे ज़्यादा होगी 12 मीटर या फिर उससे ज़्यादा होगी नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि विच इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल अलाइनमेंट फॉर द ब्रिज इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेयर स्क्वेयर मतलब कि ये हमारी अगर नेचुरल ड्रेन है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी या फिर नीचे अगर कोई रेलवे लाइन है या फिर रोडवे है या फिर हमने फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्ट करना है तो 90 डिग्री होना चाहिए मतलब कि इसमें स्क्यू एंगल जीरो होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिवर है अगर हम इसमें बिल्कुल 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रिज होगा बट अगर हम इसमें थोड़ी इंक्लिनेशन के साथ इस तरह से ब्रिज प्रोवाइड करेंगे सो तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटर लाइन अबटमेंट की होगी या फिर पेयर्स की होंगी उनकी और सेंटर लाइन ब्रिज की नॉर्मल लाइन पे इनके बीच में जो एंगल होगा जो सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज के नॉर्मल लाइन होगी वो और जो सेंटर लाइन ऑफ पेयर इनके बीच में जो एंगल होगा इसको कहते हैं स्क्यू एंगल ये हम आगे बढ़ेंगे सो तो ये ज़ीरो होना चाहिए सो मेजर ब्रिजेस को हम स्क्र कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब कि हम स्क्यू एंगल उसमें जीरो रखते हैं और आई आर सी की एक कोडल प्रोविजन है कि हमें लेस देन थर्टी डिग्री ही स्क्यू एंगल प्रोवाइड करना है इससे ज़्यादा नहीं मतलब सिक्सटी डिग्री तक कर सकते हैं प्रोवाइड बट हमने ट्राई करनी है कि थर्टी मीटर से ज़्यादा स्क्यू एंगल ना हो ठीक है सो so, इसका आंसर हो जाएगा डी हम मेजर ब्रिजेस की हमारी सबसे प्रेफरेंस यही होती है कि हमारा ब्रिज स्क्वेयर हो ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज द यूजुअल हाइट ऑफ ब्रिज अबब द हाई फ्लड लेवल इसका आंसर है 1.2 टू 1.5 मीटर ठीक है जो भी अभी तक हमने किए सब जेके एस में आए हैं सो so, मैंने इस वीडियो में रखी ये हैं कि जो प्रीवियस ईयर जेई में आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एम सो so, मैंने इसमें 61 वन इंक्लूड किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको और चाहिए होंगे तो मैं ट्राई करूँगा और एम की वीडियो लाऊँ बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आपने एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ये भी जेके एस में आया हुआ है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ कलवर्ट हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कलवर्ट की कितनी टाइप्स थी जनरली फाइव टाइप्स का था जिसमें स्लैब कलवर्ट भी था बॉक्स कलवर्ट भी था पाइप कलवर्ट भी था आर्च कलवर्ट भी था एक ठीक है तो उसमें हमने थ्रू कलवर्ट नहीं पढ़ा था सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी थ्रू कलवर्ट एक टाइप नहीं है कलवर्ट की ठीक है अब है ग्रिप लेंथ ये एक न्यू टर्म है अभी तक हमने नहीं पढ़ी है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको सो ग्रिप लेंथ फॉर ए वेल फाउंडेशन ऑफ रेलवे ब्रिजेज इज टेकन एस्ट डैश ऑफ द मैक्सिमम स्कोर डेप्थ और रोड ब्रिजेस के लिए कितनी ली जाती है सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि स्कोर डेप्थ क्या होती है ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको ये हमारा ब्रिज का पेयर होगा ठीक है ऐसे जनरली ये बेड रहेगा रिवर का बट क्या होगा कि टर्बुलेंस की वजह से जो आ, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा ये ब्रिज का पेयर उसकी वजह से यहाँ पे पानी में काफ़ी मूवमेंट्स होंगे जिसकी वजह से ये ट्राई करेंगे कि जो पेयर के आसपास ये जो बेड है इसका लेवल ये डीप कर सके मतलब कि ऐसे जनरली ये डेप्थ है रिवर की बेड बेड इस लेवल पे है बट इस ये क्या करेंगे पेयर के पास रिवर के बेड को और डीप कर देंगे सो ये जो बेड की बिड ये इंक्रीज करेंगे यहाँ से यहाँ ये हो जाएगी हमारी स्कोर डेप्थ और इस स्कोर डेप्थ को हम एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है वो ये फैक्टर हैं सो फिर आ जाएगी हमारी मैक्सीम स्कोर डेप्थ मैक्सिमम स्कोर डेप्थ क्या हो जाएगी डी जो स्कोर डेप्थ थे इन टू आर फैक्टर ठीक है और हम ब्रिज डिज़ाइन में मैक्सिमम स्कोर डेप्थ फॉर एग्जाम्पल ये आ गई इसकी स्कोर डेप्थ यहाँ तक एक फैक्टर मल्टीप्लाई किया और ये आ गई इसकी मैक्सिमम स्कोर डेप्थ यहाँ पे सो so, मैं आपको एक फिगर के साथ ओवर सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूँ ये हमारी वेल फाउंडेशन है या फिर पेयर है ब्रिज का ये इसका वाटर लेवल है ठीक है रिवर का ये इसका बेड है ठीक है यहाँ पर जनरल ये बेड था बट इसके पास ब्रिज के पेयर के पास हमारी टर्बुलेंस की वजह से यहाँ पर स्ट्राइक हो हो के यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ये जो इंक्रीज डेप्थ है फॉर एग्जांपल ये लगा लो वन मीटर अब हमारी ये नोस ऑफ पेयर है उसका फैक्टर होता है टू सो वन इंटू टू मैक्सिमम स्कोर डेप्थ हो जाएगी हमारी टू मीटर ठीक है ये लेवल आ गया हमारा मैक्सिमम स्कोर डेप्थ का ठीक है रिवर के बेड से टू मीटर नीचे तक हमारा क्या होगी मैक्सिमम स्कोर डेप्थ अब हम क्या करते हैं ब्रिज के पेयर या फिर वेल्व uh, फाउंडेशन well की जो डेप्थ है हम मैक्सिमम स्कोर डेप्थ से काफ़ी नीचे तक लेते हैं कि हमारा स्कोर होल ना हो हमारा फेलियर ना हो ठीक है तो ये हमारी आगे मैक्सिमम स्कोर डेप्थ की डेप्थ uh, यहाँ से ब्रिज uh, रिवर uh, की बेड से और इस मैक्सिमम स्कोर डेप्थ के नीचे हम जितनी प्रोवाइड uh, करेंगे डेप्थ वेल फाउंडेशन को या फिर ब्रिज के पेयर को ये बोल देंगे हम ग्रिप लेंथ ठीक है कि हमारी मैक्सिमम स्कोर लेवल के नीचे हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है सो वो रेलवेज़ के केस में हमको पता है कि लोड ज़्यादा आते हैं ठीक है सो इसलिए जो ये ऊपर टू मीटर है सो so इसका हम फिफ्टी परसेंट प्रोवाइड कर देंगे नीचे मतलब वन मीटर ये टोटल टू मीटर है यहाँ से यहाँ तक तो हम इसमें वन मीटर प्रोवाइड कर देंगे रेलवे के, के केस में और अगर हमारा रोड का केस है तो उसमें क्या हो जाएगा हम टू बाय थ्री करेंगे ठीक है टू बाय थ्री मीटर हम ग्रिप लेंथ प्रोवाइड करेंगे मतलब कि रेलवे का अगर ब्रिज है उस केस में हम ग्रिप लेंथ प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम स्कोर डेप्थ डिवाइडेड बाई टू ठीक है two, और रोडवेज का केस है तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है वन बाई थ्री होता है थर्टी थ्री परसेंट तो नियरली थर्टी परसेंट ही ऑप्शन दिए हैं तो फिफ्टी परसेंट होता है हमारा रेलवे का केस और थर्टी परसेंट होता है हमारा रोडवेज का केस सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है आई होप आपको समझ आई हो ठीक है अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है ठीक है वही यहाँ पर कंडीशन दिया कि फ्लो कहाँ पे नो सॉफ्ट पेयर ठीक है डी no तो हो गई स्कोर डेप्थ उसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ हो जाएगा सो so वो फैक्टर होता है टू डी ठीक है सो so ये इसका टेबल है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दो वैल्यूज याद रखनी है एक ये टू राइट एंगल बैंड और नोस ऑफ सो ये टेबल है मैक्सिमम स्कोर डेप्थ निकालने का मैक्सिमम स्कोर डेप्थ कैसे निकलती है स्कोर डेप्थ इन फैक्टर ये वाले ठीक है सो so स्कोर डेप्थ कैसे निकलती है वो निकलती है लेस के फार्मूला से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पर एक नोमेरिकल भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे स्कोर डेप निकल जाएगी उसको इस इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो केस होगा ठीक है इसमें से एक ये 1.75 ये भी एक एम है किसी ए का और ये टू ये भी एम है एक ए का जो अभी हम कर रहे हैं नो सफ ब्रिज पेयर पर टू होगा और शार्प या फिर सीवियर बैंड में वन होगा आप स्ट्रेट रीच का भी याद रख लेना वन ठीक है एक बार ये टेबल आप पढ़ लेना एग्जाम से पहले ठीक है सो ये एम सी क्यू एम पी एस सी ए टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ है नेक्स्ट एम सी क्यू क्या है हमारे पास कि चिनाव रेलवे ब्रिज इस एंड ये किसी एग्जाम में नहीं आया बट मैंने इंक्लूड किया क्योंकि जे एंड के में ये काफ़ी एक मेजर रेलवे ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये एक आर्च ब्रिज है ठीक है क्योंकि ये मैंने क्यों लिया क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक एग्ज़ाम एक था उसमें हावड़ा ब्रिज के बारे में पूछा था कि वो किस टाइप का ब्रिज है तो मैंने जे एंड के का मेजर ब्रिज किया ठीक है नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कैशन प्रेफर्ड इन साइड अपवर्ड सी पेज एग्जिस्ट ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैशन कि है, है? मतलब की कितनी टाइपें प्योमैटिक बॉक्स और ओपन कैशन ठीक है ओपन कैशन मतलब कि वेल कैशन ठीक है ठीक है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है आप वो लेक्चर देख सकते हो बॉक्स कैशन में क्या होता है ये टॉप में ओपन होता है बॉटम ऐट क्लोज होता है वेल कैशन दोनों टाइप बॉटम uh, और टॉप दोनों से ओपन होता है प्रियोमेटिक कैशन ऊपर से बंद होता है नीचे से ओपन होता है ठीक है और प्रियोमेटिक कैशन कहाँ यूज़ होता है यहाँ पे अपवर्ड सी पेज काफ़ी ज़्यादा हो ठीक है सो so, अभी हमने पढ़ा कि वेल well, कैशन में क्या होता है ओपन एट टॉप एज वेल एज बॉटम सो इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट है विच मूवमेंट ऑफ द ब्रिज डेक इज परमिटेड बाय एन इलास्टोमीट्रिक बियरिंग इसमें बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन अलाउड होता है एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेड द मिनिमम ग्रिप लेंथ ऑफ वेल्थ फाउंडेशन इज सो इसमें हमको कुछ नहीं बताया कि रेलवे का ब्रिज है या फिर रोडवेज का ब्रिज है बट हमें आई आर सी बोल रहा है आई आर सी का मतलब रोड रोड के केस में कितनी होती है थर्टी थ्री परसेंट या फिर डी बाय थ्री सो डी बाय थ्री बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल ठीक है नेक्स्ट आ गया एक्स्ट्रा डोस्ट ब्रिज कंबाइंस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इसमें क्या होता है कि ये केबल स्टेट ब्रिजेस होते हैं विद कन्वेंशनल प्री स्टेस्ट बॉक्स गार्डर टाइप के ठीक है और इंडिया में सबसे बड़ा थर्ड नर्मदा ब्रिज इसको कहते हैं नर्मदा रिवर के ऊपर है ये एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है जिसमें ऊपर केबल्स होंगी केबल स्टेट ब्रिज होगा और नीचे जो कन्वेंशनल हमारा प्री स्टेस्ट बॉक्स गार्डर्स होते हैं वो यूज होते हैं जो थर्ड नर्मदा ब्रिज है इसकी लेंथ है वन थ्री फोर फोर मीटर ठीक है और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि केबल स्टेट ब्रिजेस और सस्पेंशन ब्रिजेस में क्या डिफरेंस है सस्पेंशन ब्रिजेस में सस्पेंडर्स होते हैं केबल स्टेड में सस्पेंडर्स नहीं होते हैं नेक्स्ट ऑफ ए ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इसका आंसर हो जाएगा अबटमेंट abutment. जो अबटमेंट्स हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को और ये पार्ट होते हैं सब स्ट्रक्चर का ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यू है कि स्क्यू ऑफ ए ब्रिज इज द एंगल बिटवीन इसमें एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं है बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बी सेंटर लाइन ऑफ ए ब्रिज एंड सेंटर लाइन ऑफ पेयर एग्जैक्ट क्या होता है इसको यू ऑफ ब्रिज ये है हमारा ब्रिज ठीक है और ये है हमारी रिवर या फिर इंटरसेक्टिंग रोड कुछ भी हो सकता है ये यहाँ पे हमने पेयर्स प्रोवाइड किए हैं सो जो सेंटर लाइन होगी हमारी पेयर या फिर अबटमेंट की ठीक है ये आगे सेंटर लाइन की ठीक है और सेंटर लाइन हमारे रोड के जो नॉर्मल होगी उस लाइन की हमारे ब्रिज के सेंटर लाइन के जो नॉर्मल लाइन है उसके और सेंटर लाइन ऑफ पेयर या फिर अबटमेंट के बीच में जो एंगल होगा इस एंगल को बोलेंगे हम स्क्यू एंगल ठीक है ये एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन है सो नेक्स्ट टाइम सी क्यू है इसमें हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है ये एम पी एस ई टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ है ये एक कोडल प्रोविजन है उसकी कटिंग में लगाना भूल चुका हूँ पर मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमारी सिंगल लेन कैरेज वे है सिंगल लेन हमारा ब्रिज है उसमें फोर पॉइंट टू फाइव की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए और टू लेन ब्रिजेस के लिए 7.5 मीटर और आगे जितने लेन्स बढ़ते जाएंगे 3.5 मीटर हम ऐड करते रहेंगे जैसे रोड के केस में करते थे बट रोड के केस में क्या होता था हमारी सिंगल लेन की विथ होती थी 3.75 मीटर होती थी इसमें होती है 4.25 मीटर सो इसमें स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है और हमारी स्टेटमेंट डी भी करेक्ट होगी ठीक है डी कोेक्ट है हमारी और बी भी कोेक्ट है तो सो इनकोरेक्ट हो जाएगी हमारी सी और ए क्योंकि माइनर विलेज रोड्स यहाँ पे बोला कि उनको छोड़ के बाकी सब टू लेंस होने चाहिए ऐसा कोई मतलब कोडल प्रोविज़न या फिर कहीं लिखा नहीं है ठीक है और सी ऑप्शन है कि मिनिमम विथ ऑफ कैरेज विथ थ्री पॉइंट सेवन फाइव मीटर ये हाईवे के केस में ठीक है बट ब्रिज के केस में फोर पॉइंट टू फाइव मीटर होते हैं सो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड सी ऑप्शन बी ठीक है ये दो हमारी इंक्वरक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट ये एस एस सी जई एस एस सी जेई में आया हुआ टू थाउजेंड सेवेंटीन में कि एज द स्पैन ऑफ द ब्रिज इंक्रीज द इम्पैक्ट फैक्टर हमको पता है कि इम्पैक्ट फैक्टर का फार्मूला होता है जनरल ए अपॉइन बी प्लस एल सो ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल सो हमारा ब्रिज का स्पैन बढ़ेगा तो इम्पैक्ट फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट है रोलर बेयरिंग्स आर यूज इन ब्रिजेस फॉर द स्पैन ऑफ एटीन टू ट्वेंटी फोर मीटर ठीक है ऐसे एग्जैक्ट आंसर होता है इसका ग्रेटर देन ट्वेंटी मीटर ठीक है वो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे ए ही है ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा द मोस्ट कॉमन काउंटर मेजर यूज टू प्रिवेंट स्कोर एट द ब्रिज अबटमेंट इज ठीक है ये एक टेक्निक होती है जिससे हम स्कोर डेप्थ को घटाते हैं कि मतलब स्कोर हमारी ज़्यादा ना हो जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है वाटर को रिवर को अबटमेंट या फिर पेयर उसके आसपास हम रिप रैप कर देते हैं रिप रैप में क्या होता है ये हमारे ब्रिज के पेयर हैं इसके आसपास हमने ये पत्थर लगा दिए हैं जिससे स्कोर डेप्थ कम होगी मतलब पानी पहले इनको टकराएगा एब्रेशन इनके साथ होगा ठीक है हमारे पियर्स बचे रहेंगे और वैसे ये अबटमेंट का भी किया हुआ है ठीक है इसमें क्या होता है ह्यूमन प्लेस रॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं हम बचा सकते हैं अपनी शोर लाइन को आपने देखा होगा कि मतलब अगर आप गए होंगे मुंबई में वहाँ पे जो मरीन ड्राइव है उसके पास आपने देखा होगा कि पत्थर रख दिए होते हैं शोर लाइन पे उससे यही होता है कि हमारी शोर लाइन एक्सटेंड ना हो ठीक है स्कोरिंग कम हो ठीक है नेक्स्ट है फॉर आर सी सी ब्रिज इज द स्मॉलेस्ट पैन बियॉन्ड विच द इम्पैक्ट फैक्टर इज सेम फॉर क्लास ए क्लास बी और ए ए और सेवन आर सो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेल्व मीटर नेक्स्ट टाइम सी क्यू है कि हम परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने लेते हैं फॉर एफ ई फोर वन फाइव बार्स इन केस ऑफ ब्रिज डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू आई आर सी ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ठीक है इसका एक प्रॉपर टेबल है कि अगर हमारा टेंशन इन फ्लैक्जर शेयर या फिर कंबाइंड बैंडिंग है तो एफ पी टू फोर्टी की वन ट्वेंटी फाइव होती है फोर वन फाइव की टू हंड्रेड होती है फाइव हंड्रेड की टू फोर्टी होती है ठीक है और डायरेक्ट कंप्रेशन में फोर वन फाइव की हम लेते हैं वन सेवेंटी ठीक है और टेंशन इन हेलिकल इन्फोर्समेंट में फोर वन फाइव की हम लेते हैं नाइन्टी फाइव सो हमको इसमें बताना है कि इन फ्लैक्जर शेयर या फिर कंबाइंड बैंडिंग के केस में फोर वन फाइव की होती है टू हंड्रेड ठीक है so सो इसका आंसर हो जाएगा टू हंड्रेड एम पी ए नेक्स्ट है द हाईवे ब्रिज शैल नॉट बी कंसिडर टू बी कैरिंग एनी लाइव लोड वैन द लाइव वैन द विंड लोड वेलोसिटी एट द डेक लेवल एक्सीड्स सो ये कोडल प्रोविज़न है कि हमारे हाईवे ब्रिज में अगर वेलोसिटी विंड की 130 थर्टी की एम पी एस से ज़्यादा हो जाएगी तो हम ब्रिज पे कोई भी व्हीकल को मूव नहीं होने देंगे ठीक है ये कोडल प्रोविज़न मैंने नहीं कटिंग लगाई मैं चैनल पे डाल दूंगा थीके? या फिर एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट है एज पर आई आर सीमेंट कॉन्टेंट इन एक प्रॉपर टेबल है तो मेजर ब्रिजेस के लिए हमारा मिनिमम सीमेंट कॉन्टेंट पीसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए हो जाएगा थ्री सिक्सटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब या इस क्वेश्चन में हमको सीमेंट कॉन्क्रीट बोला है. अगर इसकी जगह री सीमेंट कॉन्क्रीट होता तो 380 हो जाना था बट इसमें 360 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से क्यों है हमारे पास द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अज्यूम्ड टू एक्ट एट ए हाइट ऑफ डैश अब द लेवल ऑफ कैरेज वे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस लेवल पे लगती है लॉन्गिट्यूडन फोर्स किस पे लगती है विंड लोड किस लेवल पे लगती है सो so इसका आंसर हो जाएगा वन पॉइंट टू मीटर ठीक है ये भी एक ए में आया हुआ है नेक्स्ट है वाइल्ड डिजाइनिंग रोड ब्रिजेस एंड कलवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लोड इज नॉट कंसिडर्ड हमने पढ़े थे कि वेरियस टाइप ऑफ लोड हम कंसिडर करते हैं रोड के ब्रिज uh, के डिजाइन में ठीक है डेड लोड करते हैं लाइव लोड करते हैं जिसमें आई आर सी की क्लासिफिकेशन से क्लास ए बी सेवन आर ए ठीक है इलेक्शन लोड भी हम कंसिडर करते हैं बट मशीन लोड हम कंसिडर नहीं करते हैं सो so इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट है द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर ए ओपनिंग ऑफ हाई लेवल ब्रिज फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ पॉइंट थ्री टू थ्री क्यूमेक इस फोर फिफ्टी एम मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो हाई लेवल होता है फ्लड का उससे जो बॉटम मोस्ट होता है ब्रिज का उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए अगर इतने से इतना डिस्चार्ज होगा इसका एक टेबल है ठीक है सो so, अगर डिस्चार्ज पॉइंट थ्री क्यूमैक से कम है तो वन फिफ्टी मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस रखेंगे हम और अगर अबब अब अब पॉइंट थ्री है और अप टू थ्री मीटर क्यू पर सेकेंड है उसका फोर फिफ्टी हो जाएगा जो एम सी क्यू है हमारा बाकी एक बार आप टेबल देख लो इसको ठीक है इसका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट है हमारे पास कि कोरबोन मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ ब्रिज इज एप्लीकेबल वेन द रेशियो ऑफ स्पैन विथ इज बिटवीन डैश एंड डैश इसका आंसर हो जाएगा टू एंड फोर कोरबोन मेथड हमारा एप्लीकेबल तब होगा जब रेशियो स्पैन और विथ की टू और फोर के बीच में होगी ठीक है लॉन्गीडनली जो गार्डर्स होंगे इनको हम सपोर्ट कर रहे होंगे क्रॉस गॉर्डर से और ये एटलीस्ट लीस्ट फाइव इन नंबर होंगे ठीक है जो क्रॉस गॉर्डर्स होंगे इनकी पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स डेप्थ होनी चाहिए एटलीस्ट ठीक है मिनिमम इतनी डेप्थ होनी चाहिए लॉन्गीडनल गार्डर्स के पॉइंट सेवन फाइव टाइम्स नेक्स्ट है प्री स्टेस्ट कॉन्क्रीट का कौन सा मेथड है जो काफ़ी पर्टिकुलरली मतलब काफ़ी प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं वो होगा सेगमेंटल मेथड इसमें क्या होता है कि हम आ, एक तो पहले तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड है ठीक है और ये इसमें हम डेक्स बना देते हैं और उसके बाद हम उनको प्लेस करके ब्रिज बना देते हैं काफ़ी मतलब क्यूकली इसमें ब्रिज बन जाता है ब्रिज टेस्टिंग कॉन्क्रीट मैथड हम जनरली ब्रिजेस के टू ट्वेंटी से फाइव हंड्रेड मीटर के स्पैन तक सूटेबल रखते हैं बाकी जो सॉलिड स्लैब्स के होते हैं इसका होता है हमारा टेन टू ट्वेंटी मीटर और टी बीम का होता है ट्वेंटी टू फोर्टी मीटर ठीक है नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि आई आर सी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोड के आ, कारण जितनी डिफ्लेक्शन हो सकती है मतलब एक डिफ्लेक्शन का हमने पैरामीटर सेट किया कि इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमारे स्पैन में नहीं होनी चाहिए ठीक है वो हो जाएगी वन अपॉन्ट थाउजेंड ठीक है गार्डर ब्रिजेस के लिए अब दो टाइप के हैं एक आरसीसी का भी हो सकता है स्टील का भी हो सकता है आर के केस में अगर हमारे ब्रिज हैं जिसमें सिर्फ व्हीकल्स होंगे उसका हो जाएगा स्पैन अपॉन एट और जिसमें व्हीकल और पेडिस्ट्रेन दोनों होंगे या सिर्फ पेडिस्ट्रियन अलोन होंगे उस केस में स्पैन अपॉन थाउजेंड हो जाएगा सो इसका आंसर स्पैन अपॉन थाउजेंड ही हो जाएगा क्योंकि हमको स्पेसिफाई नहीं किया और अगर अगर हमारे गार्डर स्टील के होंगे तो उस केस में अगर डेड लोड लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड की वजह से वन पॉइंट सिक्स हंड्रेड ऑफ स्पैन से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए और अगर लाइव लोड और इम्पैक्ट की वजह से वन पॉइंट एट हंड्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सो so इसमें स्पेसिफाई नहीं है सो so इसका मोस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा वन पॉइंट थाउजेंड ठीक है नेक्स्ट है ये ई एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन में आया कि जो कॉफर डैम या फिर कैशंस डी वॉटर्ड ठीक है डी वॉटर्ड कैशंस या फिर कॉफर डैम्स में हम कौन सा मैथड प्लेस करने का कॉन्क्रीट का यूज करते हैं इसका हो जाएगा इन द ड्राई प्रैक्टिस ठीक है सो so, जो ट्री माई मैथड है ये होता है अंडर वाटर प्लेसमेंट के लिए जहाँ ट्री माई मैथड सूटेबल ना हो वहाँ प्री पैक्ड कॉन्क्रीट करते हैं और इन द ड्राई मैथड इन द ड्राई प्रैक्टिस हम करते हैं डीप कैशंस के केस में ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये जी पी एस में आया हुआ है कि जब हमारा स्पैन नाइन मीटर से कम हो आईआरसी क्लास ए ए या सेवन आर की लोडिंग में सो नाइन मीटर से कम में हमारा इंपैक्ट फैक्टर की हम कितनी परसेंटेज लेते हैं क्या फैक्टर लेते हैं परसेंटेज हो जाएगी ट्वेंटी फाइव परसेंट फैक्टर हो जाएगा पॉइंट टू फाइव इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो की हुई है जिसमें सारे केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं नेक्स्ट एम सी क्यू ई एम पी एस सी ए टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया हुआ है कि वो ब्रिज जो असेसिबल हों सिर्फ पैडिस्ट के लिए या फिर फुटवेज में उनमें हम लोडिंग कितनी लेते हैं उसका आंसर हो जाएगा फोर हंड्रेड के जी पर मीटर स्क्वेयर ये एक कोडल प्रोविज़न है जिसमें बोला गया है कि वो ब्रिजेज जो असेसिबल हों सिर्फ पैडिस्टेंट के लिए और एनिमल्स के लिए ये और फुटवेज के कंडीशन में हम लोडिंग लेते हैं 400 हंड्रेड के जी पर मीटर स्क्वायर और जो फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं उसमें या फिर वो एरियाज़ जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो जैसे पिलक्रीमेज एरिया है जहाँ पे फुट ओवर ब्रिजेस में काफ़ी लोड आएगा वहाँ पे हम 500 हंड्रेड पर मीटर स्क्वायर तक ले सकते हैं ठीक है नॉर्मल कंडीशन में 400 हंड्रेड पर मीटर स्क्वायर और जहाँ भीड़ भीड़वाड़ वाला एरिया है जहाँ पर मतलब जनरली जैसे कुंभ का मेला लग गया वहाँ पे जो ब्रिजेस होंगे पेडिस्टेंस के लिए उनमें हम फाइव हंड्रेड पर मीटर स्क्वायर तक ले सकते हैं नेक्स्ट एम सी है इसमें हमको बोला कि मैक्सिमम मैक्सीम स्कोडअप निकालू अब हमको पता है कि सबसे पहले हम अप निकालेंगे उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आ, राइट एंगल बंड दिया है तो टू हो जाएगा ठीक है ठीक है राइट एंगल बंड दिया है तो हमारा वैल्यू हो जाएगी टू फैक्टर से जिससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है अब सबसे पहले हमको स्कोड अप निकालने का फॉर्मूला पता है जीरो पॉइंट फोर सेवन थ्री इंटू क्यू बाई एफ रेस टू पावर वन बाय थ्री या फिर उसका क्यूब रूट कह सकते हैं ठीक है एफ होता है ले सील्ड फैक्टर ये हमको दिया हुआ है पॉइंट एट फाइव अगर ये हमको ना दिया हो तो एफ़ का क्या फार्मूला होता है वन पॉइंट सेवन सिक्स सेंटर रूट ऑफ एफ ठीक है तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में ठीक है मैंने बताया था कि इसके दो तीन इंपेरिकल फार्मूलाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट जिससे हमसे क्यों आ सकता है वो है लेस का फार्मूला पॉइंट फोर सेवन थ्री क्यू बाई एफ़ का क्यूब रूट ठीक है और एफ होता है लेसिल फैक्टर जिसका फॉर्मूला होता है वन पॉइंट सेवन सिक्स एंड रूट ऑफ एम इस m की भी वैल्यूज का टेबल है इतना हम याद नहीं रखेंगे ठीक है ये हमको जनरली जैसे इस एम सी के में दिया है वैसे ही दिया होता है हमको ठीक है सो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ हो जाएगी हमारे पास ये जो d आएगा d मल्टीप्लाई बाई आर आर क्या हो जाएगा टू जो कि राइट एंगल बैंड का टू हो जाएगा ठीक है सो so, d मैक्स को अगर हम यहाँ पे ही d मैक्स इंटू टू कर दें ठीक है अब पॉइंट फोर सेवन थ्री इंटू क्यू है हमारे पास सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई ज़ीरो पॉइंट एट फाइव का क्यूब रूट इंटू टू इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नाइन पॉइंट ज़ीरो सेवन मीटर मैक्सिमम स्कोर डेप्थ ठीक है रिवर के बेड से नाइन पॉइंट जीरो सेवन मीटर तक हमारी मैक्सीम स्कोर डेप्थ होगी ठीक है इससे और हमें नीचे तक पेनिट्रेट करना है ग्रिप लेंथ प्रोवाइड करेंगे हम इस 9.07 मीटर की हाफ प्रोवाइड करेंगे अगर रेलवे का ब्रिज है और इस 9.07 मीटर का डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे अगर हमारा रोड का ब्रिज है ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यू है एज पर आईआरसी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए अप्रोचेज की इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर ये भी एक कोडल प्रोविजन है प्रीवियस ईयर एम भी है नेक्स्ट है हाई लेवल ब्रिज के लिए मिनिमम फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए ठीक है इसका एक टेबल है हाई लेवल ब्रिजेस के लिए वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर मतलब कि 600 हंड्रेड एम एम सो इसका आंसर हो जाएगा 600 हंड्रेड mm. एम बाकी भी आप एक बार पढ़ लो आर्च ब्रिज है तो 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा मिनिमम गार्डन ब्रिजेस के लिए 60 टू 90 सेंटीमीटर और नेविगेबल ब्रिजेस के लिए 240 टू 300 सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट है वट इज द मैक्सिमम लोड स्पेसिफाइड बाई आई क्लास ए एट ट्रैक्ट वहीकल के लिए ठीक है ये हमारा के पी एस टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ है इसमें हमको पता है कि ट्रैक्ड व्हीकल के लिए हो जाएगा हमारा सेवन हंड्रेड किलो न्यूटन या फिर सेवेंटी टन और व्हील्ड व्हीकल के लिए अगर सिंगल एक्सेल है ट्वेंटी टन और डबल एक्सेल है तो फोर्टी टन हो जाएगा ठीक है क्लास ए ए लोडिंग के लिए फिर सेवेंटी आर के लिए हमने पढ़ा था कि व्हील्ड में एक और ऐड हुआ था ठीक है उसमें हंड्रेड टन तक मतलब कि थाउजेंड किलो न्यूटन तक हो सकता था ये हमने सब डिस्कस किया हुआ ठीक है आई एस सी क्लास ए ए व्हीकल के लिए सेवन हंड्रेड न्यूटन और व्हील्ड व्हीकल के लिए हैवी ड्यूटी आर्मी ट्रक जिसमें डबल एक्सेल होगी उसका फोर हंड्रेड किलोमीटर हो जाएगा नेक्स्ट है ये जी पी एस सी ए टू थाउजेंड सेवनटीन में आया है आई आर सी ने एक इंट्रोड्यूस की है स्पेशल क्लास आई आर सी एस वी उसमें मतलब मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है एक्सेल का वो हो जाएगा थ्री एटी फाइव टन मतलब कि थ्री एट फाइव जीरो किलो न्यूटन इसमें हम मानते हैं कि हमारी ट्वेंटी एक्सल्स होती हैं ठीक है ये आई आर सी की क्लास आई आर सिक्स के कोड में बताया गया हुआ है स्पेशल व्हीकल के बारे में नेक्स्ट है लीनियर वाटर वे का क्या फार्मूला होता है इसका हो जाएगा सी एंड रूट ऑफ क्यू ये एम पी एस सी में आया हुआ है ये कोडल प्रोविजन है आई आर सी की डब्लू लीनियर वाटर वे हो जाएगा सी एंडर रूट ऑफ क्यू सी की वैल्यू जनरली हम 4.8 लेते हैं और ये वैरी करती है 4.5 से 6.3 तक ये भी आ सकता है कि 4. अकॉर्डिंग टू आई आर सी फाइव टू थाउजेंड एटीन लीनियर वाटर वे निकालने के लिए फोर पॉइंट एट हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट है द ब्रिज विच हैव फ्लोर फ्लश विद द बेड ऑफ स्ट्रीम इज नोन एज ये हो जाएगा कॉजवे ये वो ब्रिजेस होते हैं जो फ्लड आती है तो आ, पानी का लेवल इन ब्रिजेस के ऊपर हो जाता है ठीक है कॉजवे हम आ, दो टाइप के होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास कि स्कोर ऑफ द बेड इन ब्रिजेस इज जनरली ऑब्जर्व ऑन साइड ऑफ पेयर डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ पेयर या बोथ साइड या कुछ इसका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ पेयर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो स्कोर डेप्थ है के, के केस में अपस्ट्रीम कॉर्नर में होगी और पियर के, के केस में डाउन स्ट्रीम नोस एंड पे होगी ठीक है नेक्स्ट है द ओवर ए ड्राई ड्राई वैली इज नोन एज ये हो जाएगा वैलीज के ऊपर या फिर वो रिवर्स जो सूख चुकी हैं उनके ऊपर जो ब्रिजेस होता है उसको बोलते हैं वाइडक्ट फॉर्म ऑफ ए मेजर ब्रिज द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मेजर ब्रिज के लिए हम जनरली वेल फाउंडेशन या फिर वेल कैशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन फॉर कलवर्ट कलवर्ट के लिए आइसोलेटेड या फिर स्प्रेड फाउंडेशन मोस्ट सूटेबल होती है ठीक है नेक्स्ट है आर सी सी ऑफ द फॉलोइंग शेप्ड आर नॉट यूजली यूज आर सी सी पेयर टी शेप्ड नहीं होते हैं बाकी ट्रेस्टल बैंट होती हैं डबल टाइप होती है रेक्टेंगुलर होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है ये भी जेके एस ए बी जेई में आया हुआ है और जो ये वाला है ये भी जेके एस एस बी जे में है इसका आंसर हो जाएगा टी शेप ठीक है नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन द हाइट ऑफ कॉन्क्रीट पेयर में वी रेज बाय सिक्स हंड्रेड एम एम तक हम डेली उसको इंक्रीज कर सकते हैं हाइट को ठीक है नेक्स्ट है स्लैब ब्रिजेस आर यूजली यूज टू मैक्सिमम पैन ऑफ नाइन मीटर ठीक है स्लैब ब्रिज को हम जनरली नाइन मीटर तक के स्पैन तक के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट है मैसनरी आर्च ब्रिजेस किस स्पैन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं इसका आंसर हो जाएगा थ्री से फिफ्टीन मीटर ठीक है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैसनरी आर्च के लिए कितना स्पैन होता है प्री स्ट्रेस के लिए कितना होगा ठीक है सस्पेंशन ब्रिजेस के लिए कितना होगा इन प्रिलिमिनरी सर्वे क्रॉस सेक्शन हम कितने कितने इंटरवल के बाद डिटरमाइन करते हैं इसका आंसर हो जाएगा फिफ्टी मीटर ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यू है प्रिलिमिनरी सर्वे शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट एट लीस्ट डैश डिस्टेंस ऑन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड इसका हो जाएगा टू हंड्रेड से फाइव हंड्रेड मीटर नेक्स्ट है मूवेबल ब्रिजेस हम जनरली किसके अक्रॉस बिल्ट करते हैं ड्राई वैलीज के नहीं चैनल्स के बिल्कुल जो चैनल्स होते हैं चैनल्स वो होते हैं जैसे स्वेज कनाल सुना होगा आपने वो भी एक चैनल है जहाँ से जनरली शिप्स गुजरती हैं ठीक है वहाँ पे मूवेबल स्पैन हम ब्रिज प्रोवाइड करते हैं कि जनरली मतलब ऐसे वहाँ पे ट्रैफिक होगा और जब शिप ने गुजरना होगा वो मूव करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ठीक है वाटर से अलग हो जाएगा कि हमारी शिप फ्रीली गुजर सके ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेस्क्यूल ब्रिज ट्रैवर्सिंग ब्रिज और भी ट्रांसपोर्टर ब्रिज टाइप ठीक है टाइम से क्यों है कि आर्च ब्रिजेस के पेयर को हम स्कोर लाइन के नीचे कितना मिनिमम हमने डेप्थ प्रोवाइड करनी है मतलब कि जो हमारी मिनिमम ग्रिप लेंथ होगी ब्रिज पेयर की आर्च ब्रिज के पेयर की वो कितनी होगी 1.8 मीटर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एक्चुअली कितना होता है आईआरसी आर सी के अकॉर्डिंग 2 मीटर होनी चाहिए ठीक है जो ग्रिप लेंथ है जो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ है उसके नीचे जो ग्रिप लेंथ प्रोवाइड करेंगे वो मिनिमम टू मीटर तो होनी चाहिए आर्च ब्रिजिस के केस में और बाकी के केस में टू मी वन मीटर होगी ठीक है एबटमेंट पेयर बाकी सुपर स्ट्रक्चर किसी और टाइप का होगा वहाँ पे 1.2 मीटर अगर आर्च टाइप का है तो एटलीस्ट 2 मीटर का हम ग्रिप लेंथ प्रोवाइड करेंगे या फिर मैक्सिमम स्कोर डाप के नीचे एटलीस्ट 2 मीटर हम फाउंडेशन पेनीट्रेट करेंगे ठीक है नेक्स्ट है बेस्क्यूल ब्रिज क्या है ये एक टाइप का मूवेबल ब्रिज है हमने और भी टाइप के पढ़े हैं बेस्क्यूल ब्रिज क्या होता है ये अप डाउन होता है कि इस तरह का समझ लो दो अगर टू लिप्स बेस्क्यूल ब्रिज है ये हमारा रोड है तो ये यहाँ से ऊपर हो जाएगा ये भी ऊपर हो जाएगा ठीक है इसके हमने एंगल भी पड़े हुए कि कितने एंगल तक हो सकता है और यहाँ से शिप गुजर जाएगी ठीक है ट्रैवर्सिंग ब्रिज होता है और भी काफ़ी टाइप के हमने ब्रिजेस पड़े हुए हैं ठीक है स्विंग ब्रिज एटसेट्रा नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि अगर एक एंड पे हमारे रॉकर एंड रोलर बियरिंग प्रोवाइड की हुई है तो दूसरे एंड पे क्या होगा उस साइड रॉकर बियरिंग की होगी सिंपल ठीक है वहाँ पे रोलर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे ठीक है जनरली रॉकर्स हम किस पैन तक सूटेबल होते हैं मोर देन ट्वेंटी परसेंट ठीक है जनरल वेट एंड हाइट ऑफ कर्ब्स ऑन ब्रिजेस आर ये भी एक कोडल प्रोविजन है कि सिक्स हंड्रेड एम मिनिमम वेट होनी चाहिए और मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जो कर्ब्स प्रोवाइड करते हैं जो हम लेटरली सपोर्ट करते हैं ठीक है कैरेज वे को ठीक है उसकी मिनिमम वेट होनी चाहिए 600 हंड्रेड mm एम और मिनिमम हाइट होनी चाहिए 225 ट्वेंटी mm. फाइव ठीक है सो इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट नेक्स्ट है कर्व की स्लोप कितनी होती है ये हो जाएगी वन इन एट ठीक है नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि जो हमारा रोड है ब्रिज है ब्रिज के ऊपर वर्टिकल क्लियरेंस कितनी प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये कोई वायर है या फिर कुछ भी लैंप या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी वर्टिकल क्लियरेंस कितनी होगी ब्रिज के ऊपर से अगर हमारा केस है अर्बन रोड इसमें हो जाएगी 5.5 मीटर ये कोडल प्रोविजन है आईआरसी 5 की ठीक है इसमें वर्टिकल क्लियरेंस बताई गई है फाइव मीटर होगी नॉन अर्बन के लिए और फाइव पॉइंट फाइव मीटर होगी अर्बन के केस में ठीक है नेक्स्ट की जो डेक का मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितनी होगी कि हम पानी को अच्छे से ड्रेन कर सकें इसका आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है ये भी एक कोडल प्रोविजन है ठीक है ये पॉइंट थ्री परसेंट का मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हमको याद रखनी चाहिए ठीक है जैसे कि यार्ड होता है रेलवे यार्ड उसकी मैक्सिमम होती है वन इन फोर हंड्रेड मिनिमम होती है वन इन थाउजेंड इस तरह का हम याद रखेंगे जनरली फिक्स प्लेट बेयरिंग हम कितने स्पैन तक के लिए यूज़ करते हैं इसका आंसर हो जाएगा ट्वेल्व मीटर के ट्वेल्व मीटर तक के, के लिए फिक्स प्लेट बेयरिंग्स यूज़ करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लो कॉस्ट ब्रिज सो so, जो मैशनरी ब्रिजेस होते हैं इसमें काफ़ी कॉस्ट um, लगती है इनकी फाउंडेशन को प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है तो इसमें मैशनरी ब्रिजेस में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसलिए लो कॉस्ट ब्रिज नहीं है मैशनरी आर्च ब्रिजेस यूजली यूज फॉर ए स्पैन ऑफ थ्री टू फिफ्टीन मीटर